बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है टोयोटा बिट्स गाड़ी पे। असल में मैकेनिकल फॉल्ट है, हम तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के वीडियो अक्सर बनाते हैं, लेकिन फील्ड हमारी तो ओरिजिनल मैकेनिकल है। प्रोफेशनल तो हम मैकेनिक हैं, लेकिन साथ ये है कि स्कैनर रखने की वजह से हमने फिर जो ये फाई इलेक्ट्रिकल जो काम है वो भी करते हैं, वो हमें आसानी हो जाती है उनके साथ। गाड़ी बिट्स गाड़ी है, ब्रेक मारने के साथ ब्रेक पैड इसके आवाज़ करते हैं। अक्सर हम इसमें इस तरह भी करते हैं कि डिस्क डाल देते हैं और उसके बाद भी आवाज़ इसमें रहती है, या बाज़ टाइम हम इसके तवे जो होते हैं जिसको पैड कहते हैं तवे आवाज़ कर टूल करते हैं और डिस्क पुरानी डाल देते हैं फिर भी आवाज़ करते हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस वक्त जब हम ब्रेक के साथ आवाज़ आए, एक तो आसान सा वो है कि जब ब्रेक के साथ आवाज़ आए तब उन चीज़ों का ताल्लुक जो होता है वो ब्रेक की चीज़ों से होती है, या ब्रेक पैड होते हैं या डिस्क पैड होते हैं, ठीक है ना, उनकी आवाज़ होती है और उनमें या टूल का मसला होता है या हार्ड हो जाते हैं या डिस्कें चेंज करनी पड़ती हैं। तो ब्रेक के साथ जब भी ऐसी आवाज़ आएगी तो वो सिर्फ ब्रेक की रिलेटेड चीज़ों में आवाज़ होगी। अभी मैं इसे खोलूँगा, चारों व्हील भी खोलूँगा और उनको सर्विस मुताबिक उसके हिसाब से मैं इसके तवे टूल करूँगा और डिस्कें और डालूँगा तो इंशाल्लाह वो आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। जिन लोगों के लिए वीडियो, जो लोग गाड़ी ड्राइव करते होते हैं और उस तरह ब्रेक के साथ आवाज़ आती है और वो सोचते हैं कि इसमें क्या चीज़ किस चीज़ की आवाज़ होती है, तो दो ही चीज़ें, या डिस्क पैड होती हैं या इसके वो तवे वगैरह होते हैं, और एक ऐसी भी वो होती है कि जो इसकी कैलीपर की पिन है, अगर जाम हो कैलीपर की पिन है जाम हो तो वो उसमें भी आवाज़ करती हैं, और दूसरा एक्सएलआई और जीएलआई में अक्सर कैलीपर ख़राब हो तो आगे ब्रेक लगाने से एक आवाज़ आती है, वो उसका कैलीपर चेंज करना पड़ता है। सिर्फ एक्सएलआई और जीएलआई में ये चीज़ थोड़ी आई है। अभी ये मैंने टेस्ट ड्राइव इसका कर दिया, तो गाड़ी अभी खोलूँगा, अगर उनकी वीडियो बना ये इसके चारों व्हील खोल के तवे दिए हमने टूल के लिए, डिस्क और डालेंगे और पीछे ड्रम भी इसके दिए हैं टूल करने के, ब्रेक शू भी इसमें और डाल दिए। ये इसके चारों व्हील खोलिए, ब्रेक शू डाल दिए, ड्रम इसमें टूल हो जाएंगे, तवे भी टूल हो जाएंगे, डिस्कें इसकी नई डिस्कें ये आई हुई हैं, इसमें एमके की डिस्क डालेंगे और एमके के ब्रेक शू डालेंगे तो इंशाल्लाह इसमें ये आवाज़ वगैरह का कोई मसला नहीं रहेगा। फिर आज मशीन पे भी हमने इसके ड्रम तवे दिए हैं, जिस तरह वो आ जाएंगे उसकी फिटिंग कर लेंगे और उसके बाद इसका इंशाल्लाह ब्रेक एडजस्ट करेंगे तो ये फॉल्ट गाड़ी में क्लियर हो जाएगा। जो ब्रेक के साथ इसमें आवाज़ें आ रही थी वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ब्रेक पेडल दबाते वक्त जब भी ऐसी कोई आवाज़ आए तो वो ब्रेक से रिलेटेड चीज़ों में आवाज़ होती है, तो उसमें ब्रेक शू और ड्रम वगैरह बस चेक कर लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उस तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।